हरियाणा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी भारत का एक उभरता हुआ बैंक है, जिसकी शाखाएं आपको भारत के हर जिले में देखने के लिए मिल जाएगा। ये बैंक भी आपको एक ऑप्शन देता है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का, जिसे आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू वीडियो केवाईसी से फुल केवाईसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बैंक में अकाउंट ओपन करने से आपको एक अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग एक इनिशियल फंडिंग के साथ ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इसके वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे अकाउंट टाइप देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो केवाईसी। आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको व्यू डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस बैंक अकाउंट की क्या की बेनिफिट्स है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आप यहां पर भी देख सकते हैं। आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, एक इंटरनेट कनेक्शन जो 4G होना चाहिए, मोबाइल फोन या डेस्कटॉप आप किसी से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ब्लैंक व्हाइट पेपर, उसके साथ में ब्लैक पेन होना चाहिए ताकि आपका वीडियो केवाईसी के थ्रू वेरिफिकेशन हो सके। सिंपली आपको अकाउंट ओपन करने के लिए इस लिंक पर भी जा सकते हैं या ऊपर स्क्रॉल करके आप यहां पर से डिजिटल अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो केवाईसी आपको स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहां पर आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे, पहला सेविंग प्लस FD अकाउंट, देन सेविंग अकाउंट, फिर करंट अकाउंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है, हमें अपने केस में सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डाल लेना है, मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते ही आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डाल लेना है। OTP वेरीफाई होते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ग्रीन टिक लग जाएगा, देन आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID डाल लेना है। उसके बाद आपके ईमेल ID पर भी 4 डिजिट का OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल लेना है। देन उसके बाद ये वैलिडेट ईमेल का ऑप्शन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन नीचे में आप यहाँ पर देखेंगे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डाल लेना है। जैसा ही आप पैन कार्ड यहाँ पर डालेंगे आपका नाम पैन कार्ड से फेच कर लिया जाएगा, ग्रीन ओके का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल लेना है। आधार नंबर डालते ही आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल लेना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, देन इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वी फाउंड पार्शियल मैच, आपको सिंपली इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपका पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा, जिसमें आपका जेंडर, आपकी एज, आपका एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मदर्स मैडन नेम में आपको यहाँ पर मदर का मैडन नेम डाल लेना है। यदि आपका मदर का मैडन नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फादर नेम आपके आधार कार्ड से उठ करके यहाँ पर आ जाएगी। देन आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। देन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू रिसाइडिंग एट द सेम एड्रेस एज मेंशन इन आधार डिटेल, यानी कि आप अभी जहाँ पर रहते हैं वो आपके आधार कार्ड से सेम एड्रेस है, तो यदि होगा तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इस नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन जो भी आपका एड्रेस होगा जहाँ पर आप अभी स्टे कर रहे हैं वो एड्रेस आपको बारीकी से भर लेना है। हमारा केस में हमारे आधार कार्ड का एड्रेस सेम है तो हमें इस यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। देन उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यानी सैलरी पाते हैं तो सैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हाउसवाइफ होंगे, स्टूडेंट होंगे, रिटायर्ड होंगे, प्रोफेशनल होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। सबसे कम आपका जो है वो 0 से 1 लाख के बीच में है, तो ये आपको कम से कम सेलेक्ट करना ही होगा। उसके बाद आपकी मार्शियल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। यदि आप सिंगल है तो सिंगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शादीशुदा है तो शादीशुदा के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। देन ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यदि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देंगे। नॉमिनी का नाम आप यहां पर डाल लेंगे, नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशन है, जैसे कि जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है और जो नॉमिनी है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आप यहां पर से सेलेक्ट कर लेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर से डाल लेना है।
उसके बाद आप देखेंगे नॉमिनी का जो भी एड्रेस है, यदि जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है उनसे सेम है तो आप इस पर क्लिक रहने देंगे, अदरवाइज आप इस अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी उनका एड्रेस होगा आपको नीचे भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारे केस में नॉमिनी का एड्रेस और जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है दोनों का सेम है, हम लोग इस वाले ऑप्शन, यदि आप नॉमिनी नहीं भी रखना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फाइनली हम लोग वीडियो केवाईसी के तरफ प्रोसीड करने वाले हैं, तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इसे रीड आउट कर लेना है। वीडियो केवाईसी का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है, देन इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आप वीडियो केवाईसी अभी करना चाहते हैं तो प्रोसीड कर लेंगे, अदरवाइज आप बाद में करना चाहते हैं तो इस नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, CRN नंबर हमारा यहाँ पर है, अकाउंट नंबर हमारा यहाँ पर है, IFC हमारा यहाँ पर है, ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, पूरी डिटेल आपको मोबाइल पर मैसेज के भी रूप में आ जाएगा, देन आप सिंपली इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देन यहाँ पर आपको अकाउंट को फंड कर लेना है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक इनिशियल फंडिंग अकाउंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, बाद में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जितना भी आपको डिपॉजिट करना है आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे, देन इस मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके पास ऑप्शन है, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, देन आप इस मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना वीडियो केवाईसी शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उस टाइम पर जाकर के आप अपना वीडियो केवाईसी करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं वीडियो केवाईसी करके कि कैसे आपको वीडियो केवाईसी करके अपना फुल केवाईसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के चले जाता हूं। कि वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो 30 मिनट यानी आधे घंटे का टाइम लगता है आपका अकाउंट का फुल प्रोसेस होने में। फाइनली वीडियो केवाईसी के बाद हमारा फुल केवाईसी अकाउंट ओपन हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि वीडियो केवाईसी करते वक्त आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल वाला आपके पास में होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर जिसमें आप ब्लैक पेन ले लेंगे, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसमें 4G का कनेक्शन कम से कम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपकी थोड़ी अच्छी होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए जहां पर कोई भी हल्ला शोर ना आता हो, शांति से आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, कस्टमर का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी पैन कार्ड आपका आधार कार्ड देखेंगे, आपकी सिग्नेचर देखेंगे, देन आपका फुल KYC अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ऑनलाइन घर बैठे वीडियो KYC के थ्रू एक फुल KYC सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपने नॉलेज में कुछ नया गेन कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।